हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गेमिंग साइड। और गाइस, फार्मिंग सिम्युलेटर 23 के एक और लेट्स प्ले गेम प्ले में आप सबका वेलकम है। एंड वी आर बैक इन द एम्बरस्टोन मैप। और यहां पे अभी मैंने एक बोल्ड डिसीजन ले लिया। मैं तो इसको एक बोल्ड डिसीजन ही बोलूँगा, बिकॉज मैंने जो अपनी हार्वेस्टर थी ना, वो तो सेल कर दी थी ये कॉटन जैकेट को लेके। बट अभी सिस्टम ये है कि जो हमारी स्पिनरी है वो उस स्पीड से कॉटन कंज्यूम कर नहीं रही जिस स्पीड पे हम लोग जो है वो कॉटन के थोड़ा घर बनाना चाह रहे हैं। सो मैंने जो है पिछले गेम प्ले में ये स्टांस किया था कि आई विल नाउ टेक अ पॉज, एक ब्रेक लूँगा मैं कॉटन से, और मैं जो है वो सोयाबीन हार्वेस्ट प्लांट करूँगा। तो सोयाबीन मैंने प्लांट भी कर दी, बट लिटिल डिड आई नो कि मैंने जो अपनी हार्वेस्टर किया, जो नॉर्मल हार्वेस्टर हम यूज़ करते हैं क्रॉप्स को प्लांट करने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए, वो बेच ली हुई है। सो नाउ द रियल चैलेंज इज़ कि क्या हम एक बेहतर नई हार्वेस्टर बाय कर सकते हैं। टेक्निकली तो देखा जाए तो हम लोग जो हार्वेस्टर हमने सेल की थी वही हम वापस से बाय भी कर सकते हैं। $1,29,000 की ये ड्यूर्सफार की टॉप लाइनर हार्वेस्टर है, जबकि $3,01,000 की एक्सियल फ्लो है, इसी तरह से $4,01,000 की ये क्लास्ट्रियन है। और अगर हम बात करें जो फ्लैगशिप है, अगर आप वीआईपी मेंबर नहीं है, मतलब वीआईपी वाला सिस्टम नहीं है, आपने डीएलसी वगैरह बाय नहीं किए, तो जो सबसे फ्लैगशिप हार्वेस्टर का ऑप्शन हमारे पास है वो है $5,50,000 की जॉन डीयर की X9 1100। सो 5.5 लाख की ये हार्वेस्टर हो गई। और अगर हम बात करें इसके हेडर की, तो तकरीबन 1,11,500 का इसका जो है वो हेडर है। सो ओवरऑल ये हार्वेस्टर हमें कॉस्ट करेगी $6,000-$7,000। सो मतलब अगर हमने एक फ्लैगशिप टू फ्लैगशिप हार्वेस्टर बाय करनी है तो हमें चाहिए 6,60,000 का, जबकि अगर हमने गुजारा ही करना है तो मेरे ख्याल से ट्रियन एक बेहतर ऑप्शन है। और ट्रियन का अगर हम हेडर देखें तो हेडर भी जो है वो इसका रिलेटिवली चीप ही है, मैं तो यही कहूँगा। और 10 meters इसकी वर्किंग रेंज है, और पहले भी हम लोग यही वाला हेडर जो है वो यूज़ कर रहे थे। और अगर हम ये वाले बात करें जो जॉन डीयर का है, सो उसकी रेंज तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा प्राइस भी है। सो अब जो भी हमारे पास है चीज़ें, जो हमारे पास प्रोडक्शन बनी पड़ी हैं, जो ऑयल पैलेट्स हैं, जो क्लॉथ पैलेट्स हैं, तो उनको सेल आउट करने के बाद ही अभी मैं कोई आइडिया ले पाऊँगा कि मैं कौन सी हार्वेस्टर अफोर्ड कर सकता हूँ। ऑफकोर्स मैं हर चीज़ जो है वो यहाँ पे दाव पे नहीं लगाना चाहता, जस्ट टू गेट वन हार्वेस्टर, और फिर बाद में पता चले कि इकॉनमी बैंकरप्ट हो चुकी है हमारी और आगे बढ़ने का कोई जो है वो चांस ही नहीं है। सो आई डोंट वांट दैट थिंग। तो मैं जो है वो अभी ये देखो कॉटन मिल्स यहाँ पे धड़ाधड़ बनी पड़ी है, बट द थिंग इज़ वी कैन नॉट सेल एम। अभी इनको हम लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ फैब्रिक में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्पिनरी के ऊपर ही हम लोग जो है वो कॉटन भी बेच सकते थे, उस स्पिनरी हमने परचेज कर रखी है। तो अब वहाँ ये जो है वो अनलोड होके सेल तो होंगी नहीं, वहाँ पे तो पहले ही जो है वो कॉटन बेच पड़ी हुई है। तो भी ये ट्रैक्टर की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। सो इसको हम लोग जो है वो जल्दी से जाके धुलवाते हैं ताकि थोड़ा सा ये बेहतर लगे। तोबा तोबा, इसके ऊपर तो ऐसे लग रहा है जैसे है ना जान बूझ के किसी ने बंद डाला है। और साथ ही साथ हम इस ट्रैक्टर में आ ही रहे हैं तो चेक कर लेते हैं कि हमारी ऑयल में जो है वो क्या परफॉर्म कर रही है, कितना उसने जो है वो परफॉर्मेंस दे रखी है, पैल्स वगैरह कुछ बनाए हैं या नहीं। सो बात ये है, जो मेरा कंसर्न है कि अगर मैं एक अटेम्प्ट करता हूँ कि नहीं भाई मैंने जो है वो फ्लैगशिप हार्वेस्टर ही बाय करनी है, सो मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि मैं गेम को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर ना ले जाऊँ, मतलब ऐसे पॉइंट पर ना ले जाऊँ कि यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए मुझे जो है वो सीधा सीधा कोई मैटर चीज का सिस्टम करना पड़े। तो गाइस यहाँ पे 4 pellets बने हुए हैं। अगर हम प्रोडक्शंस में चल के चेक करें तो ये स्टोरिंग में है, एक पैलेट शायद इसका वैसे स्टोरिंग में पड़ा हुआ है। सो दिस इज समथिंग, इस तरह से ये कुछ कर रही है। तो ठीक है, थोड़े बहुत जब तक इसकी प्राइस हाई होगी इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इसकी तरफ से भी आ जाएगा। और अगर हम बात करें इसके रॉ मटेरियल्स की, सो कनोला जो है वो यहाँ पे 19,000 liters तक जो है वो ड्रॉप हो चुका है, मतलब अभी चल के हमें जो है वो दूसरी क्रॉप्स की तरफ जो है वो आना ही पड़ेगा। सो इस बार तो मैं यहाँ पे
सिर्फ और सिर्फ सीधे सीधे जो है वो सोयाबीन हार्वेस्ट का प्लान कर रहा हूँ और उन्हीं को हार्वेस्ट करूँगा। सो मे भी जो नेक्स्ट खेत होगी उसमें हम लोग जो है वो बहुत सारा कनोला प्लांट करते हैं। सो यस, तो इसी तरह से वन बाय वन जाना पड़ेगा। एंड ऑल्सो मैंने जो है वो हार्वेस्टर बाय करने के लिए एक सीडर भी जो है वो सेल आउट कर दिया था। सो अभी एक ही सीडर है, तो ये भी एक अपने आप में एक प्रॉब्लम है कि हमारी जो सोइंग स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुकी है। वैसे तो कॉटन की हार्वेस्टर जिस स्पीड से हार्वेस्ट करती है सोइंग स्पीड, उस हिसाब से तो इतनी बुरी नहीं है, ठीक ठाक ही है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है इससे काफ़ी बेहतर फास्ट सोइंग कर सकते थे, क्रॉप्स प्लांट कर सकते थे। लेकिन अब एक ही सीडर होने की वजह से सोइंग की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। एनीवेज, तो यहाँ पे हम लोग जो है इस ट्रैक्टर को यूज़ करते हुए फ़िलहाल के लिए तो मैं ये हर्बिसाइड यूज़ करने जा रहा हूँ। और यहाँ पे मेरे ख्याल से जो हमारी शीप है उनका भी ग्रास जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो वो भी एक आज के इस गेम प्ले में जो है काम करने वाला पड़ा है। अभी मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या सीन चल रहा है यहाँ पे शीप फार्म के ऊपर। एंड यहाँ पे इसको ऑन कर दिया मैंने, इसको हेल्पर हायर कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, नहीं जी, यहाँ पे ग्रास पड़ा हुआ है और इनकी अगर हम प्रोडक्शन चेक कर लेते हैं सो यस, प्रोडक्टिविटी 100% है। सो ये ओके हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हार्वेस्टर जो है ये एक बेल डाल ही चुकी है और जबकि दूसरी बेल जो है उसमें भी सीडर अच्छा होता तो हम लोग जो है वो एक और होता तो प्लांट कर लेते, लेकिन सीडर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। तो यहाँ पे भी मैं देख लेता हूँ, काफ़ी देर से मैंने इसको इसी फील्ड के ऊपर लगाया हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा गाइस जो है ना वो स्लोली, क्योंकि आप लोगों को पता ही है जो ये रूट चूज़ करते हैं सीडर के लिए हेल्पर लोग वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है और अनऑप्टिमाइज्ड किस्म का है। मतलब यहाँ पे ये देखो, पहले रिवर्स आएगा फिर फॉरवर्ड लेके जाएगा, तो ऐसे करके ना ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम लगा देते हैं यहाँ पे। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा खुद ही ड्राइव कर लेता हूँ, घंटा लगा देना है वरना इसने इधर से टर्न लेते हुए। राइट, तो यहाँ पे थोड़ा सा अभी ऐसे ही, मतलब यहाँ से ये कंप्लीट करेगा सो हम इसको जो है वो ऐसे ही अगले फील्ड में जो है वो ले चलेंगे। अब टेक्निकली मेरे ख्याल से ये जो तीन फील्ड हैं इनके ऊपर काफ़ी हो चुकी है सोयाबीन, अगले फील्ड में हम चाहें तो कनोला भी प्लांट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये, क्योंकि जो ऑयल मिल है उसके ऊपर कनोला जो है वो अभी काफ़ी तेज़ी से कम हो रहा है और हमने क्योंकि मज़ीद अनलोड नहीं करा था और काफ़ी ज़्यादा हम ऑयल बना के भी जो है वो सेल कर चुके हैं। सो आई गेस के यहाँ पे फिर हम लोग जो है वो कनोला ही कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हेल्प लगा देता हूँ, ये ट्रक खड़ा था इसको उठा के हम लोग जो है वो इसमें, यहाँ पे देखो एक बेल ऑलरेडी है इसमें। ठीक है, ये एक बेल इस ट्रक में पड़ी हुई है और एक वो सामने बेल पड़ी हुई है। सो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर अभी मैं आपको दिखाऊँ स्पिनरी के ऊपर, ये देखो एक बेल ये पड़ी हुई है, तो इसको हम बाद में जो है वो यहाँ से उठाएंगे, फ़िलहाल तो रहने देते हैं। तो अभी अगर हम चलें स्पिनरी के ऊपर तो वहाँ पे मोस्ट सर्टनली अभी एक बेल और पड़ी होगी। सो इसको यहीं से ही एक्टिवेट जो है वो कर देते हैं। ये हो चुका है जी एक्टिवेट और इसको यहाँ से बेल पिक करने की कोशिश करते हैं। आई होप कि ट्रैक्टर के आने से पहले पहले हम लोग ये बेल जो है पिक कर पाएंगे। क्या बनता है, चलो जी हो ही गई है। ट्रक ने तो वैसे तो कसर नहीं छोड़ दी थी, बट ठीक है हो ही गई। तो अभी हम इसको लेके चलते हैं स्पिनर के ऊपर और वहाँ पे मोस्ट सर्टनली, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ प्रोडक्शंस एंड कॉटन, तो ये देखें कि पहले ही जो है वो मैक्सिमम जो स्टोरेज है होल्ड कर सकती है इनपुट में वो फुल हो चुकी है। तो अब वहाँ पे चल के जो है वो मज़ीद कोई बेल्स नहीं होंगे। तो अभी मैं ले जा कर आपको दिखा देता हूँ। अभी हम जा रहे हैं जी गाइस सीधा स्पिनरी के ऊपर
और वहाँ पे चल के हम इन ये जो दो बेल्स हैं इनको लोड करने अनलोड करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी, वहाँ पे डेफिनेटली एक स्टैक सा जो है वो बनता जा रहा है बेल्स का, क्योंकि पहले वाली जो बेल्स हैं वो इतनी यूज़ नहीं हो रही, और हम लोग जो है वो मज़ीद बेल्स ला ला के जो है यहाँ पर जमा करते जा रहे हैं। अबे यार किधर अटक गया ये, ना उन जगहों के ऊपर जो है वो जाके ये अटक जाता है। तो ये सामने ही है हमारे पास गाइज, यहाँ पे स्पिनरी, और अभी हम ले जाके जो है चेक करते हैं कि क्या सीन चल रहा है वहाँ पे। जो लास्ट टाइम मैंने दो बेल्स गाइज बेसिकली यहाँ पे अनलोड करी थी, और मेरे ख्याल से वही अभी तक जो है वो चल रही हैं। क्या यार इतना छोटा सा ट्रक बनाया है कि वो नज़र ही नहीं आता आगे से किस तरफ को जा रहा है। मतलब ये तो सीधा सीधा इन्होंने मजबूर किया है जनता को कि भाई वो जो दूसरे वाला, यहाँ पे एक ही बेल पड़ी हुई है और दूसरी बेल शायद यहाँ पे गायब हो चुकी है। एंड नाउ वी आर going to unload it here, और for some reason ये जो है वो unload नहीं हो रही, अभी होना शुरू हुई है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों भी जो है वो यहीं पर स्टोर होने वाली है। अबे रुक जा भाई। चलो जी गाइस, तो ये दो बेल्स भी जो है वो यहाँ पर, अभी टोटल तीन बेल हो चुकी हैं, और इसको जो है मैं यहाँ पर कर देता हूँ पार्क। मीनवाइल ये जो फील्ड है यहाँ पे हो चुका है जी कंप्लीट, और इस ट्रैक्टर को भी मैं लेके चलता हूँ जी इस वाले बड़े फील्ड में। एंड आई होप कि ये अगर मैं इस डायरेक्शन में लगाऊंगा तो टोटली ऑप्टिमाइज करके होके ही ये जो है वो काम कर रहा होगा। तो यस, अभी चेक नहीं किया वहाँ पे बिल्डिंग्स में जाके ये क्या काम करता है, तो वो एक अलग से जो है वो देखने वाली चीज़ होगी। बट आई होप कि यहाँ पे ये सही काम करेगा। ऑप्टिमाइज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हेल्पर लोग हैं ना, कई जगहों पे जो है वो फिर मिस कर जाते हैं। एंड लेट्स सी कि यहाँ पे ये नहीं करे। एंड यहाँ पे उतरते हैं जी इससे, और यस इट्स वर्किंग, फिलहाल तो काम कर रहा है। तो अभी हम दूसरे हेल्पर का जो है स्टेटस चेक कर रहे थे, तो ये भी यहाँ पे गाइस प्लांट कर रहा है सोयाबीन्स, और ये हार्वेस्टर यहाँ पे अपना काम कंप्लीट कर चुकी है। सो इसको हम ऐसे ही लेके चलते हैं अगले फील्ड में, और वहाँ पे हम इसको हेल्पर पे अगेन हायर कर देंगे। तो ये ट्रैक्टर भी मेरे ख्याल से हार्वेस्टर से भी ज़्यादा स्लो है, मुझे तो कम से कम लग रहा था शायद कर लेगा ये मैनेज, बट आई गेस इट्स वे टू स्लो। पर मैं टू बी ऑनेस्ट इस क्रिटिकल स्टेज के ऊपर जाके जो है वो दोबारा से एक नए सीट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। बाय तो कर सकते हैं, बट फिर हमारी हार्वेस्टर जो है वो ऑलरेडी इसके लिए पैसे कम हैं, सो ये ना हो कि हम जो है वो मज़ीद पैसे शॉर्ट हो जाए। मैं खुद भी चाहता हूँ कि हम जैसे तैसे करके एक दफ़ा X9 हार्वेस्टर बाय कर ही लें अगर हो सकती है तो। तो अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि क्या सीन होगा, और जब तक ये रेडी टू हार्वेस्ट होगी क्या हमारे पास जो है वो पैसे होंगे या नहीं होंगे और क्या सीन होता है। ये यहाँ पे है, तो इस ट्रैक्टर को अभी मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट करता हूँ। लेट्स सी कि टेलर शॉप के ऊपर क्या सीन चल रहा है, और मैंने कहीं कोई क्लॉथ वगैरह उठा तो नहीं लाया था, यहाँ भी पड़े हुए हैं वहाँ पे क्लॉथ्स। लेट्स सी, ये वाला जो ड्यूट्स वार का ट्रैक्टर इसको लेके चलते हैं, इसके पीछे जो है वो साथ ही मैं अभी वो कनेक्ट कर लेता हूँ दूसरे वाला ट्रेलर, पैलेट ट्रेलर, और हम लेके चलते हैं जी इसको कहाँ पे, टेलर शॉप पे। रखा कहाँ पे वैसे मैंने वो, यस 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 यहीं पे है। अबे यार लॉज, अभी इसका ये डॉली वालों का ना ये मतलब इतना वक्त है, अब इसका मुंह लिटरली उस तरफ को हो चुका है कि वहाँ पे पार्क अटैच हो ही नहीं सकता। वाह चलो इसको फिर मैं ऐसे ही लेके चलता हूँ कहीं ना कहीं।
अगर ये इसे नहीं मानता तो उसको ऐसे ही कनेक्ट करना पड़ेगा फिर जिस तरफ को इसका मुंह है। चलो ये चीज क्या यार, यहाँ पे एक उर्दू में मुहावरा था कि मेरे को में याद नहीं आ रहा। आई डोंट नो, अभी मैं ज़्यादा जहन पे जोर दूँगा तो शायद और भी नहीं याद आएगा, लेकिन हाँ यहाँ पे था एक मुहावरा। मे बी अगर आप में से किसी को इस सिचुएशन पे कोई मुहावरा याद है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन। अभी हम जा रहे हैं जी टेलर शॉप के ऊपर, वहाँ पे देखते हैं शायद कोई कलर्स बने पड़े हों जो कि मैंने अभी तक पिक ना किए हों, बस मुझे लगता नहीं है, बट फिर भी एक दफ़ा जो है वो हम देख ही लेते हैं। शायद मैंने जो है वो पिछले गेम प्ले में उठा लेते और अगले गेम प्ले में मैंने टाइम स्किप नहीं किया था, सो आई एम प्रिटी श्योर कि वहाँ पे शायद हमें कोई पैरेट देखने को ना मिले। एनीवेज फिर भी एक दफ़ा जो है वो चेक कर लेते हैं। ओ एम जी यहाँ पे तो भाई पैरेट बने पड़े हैं, पर प्रॉब्लम यही है कि इनको उठाएं कैसे। वाह, मतलब जो नज़दीक वाला था, अरे भाई क्या, ओके यार ये बड़ा अजाब है कसम से इसका ना टेलर शॉप के ऊपर। यहाँ पे लोड करना पैलेट भी उतना ही अजाब है और फिर अनलोड करना भी। अनलोडिंग की तो हमने अभी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करी हुई है कि वो तो ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन पे लगा दी है हमने इसको, लेकिन लोड करते वक्त जो है ना वो एक अलग ही यहाँ पे भी सिस्टम चल रहा था, वो समझ से बाहर है। सो यहाँ पे अभी मैं तो गाइस यही काम करने जा रहा हूँ कि इधर अभी मैं करना वाला हूँ ये जो रिमेनिंग फील्ड्स हैं इनके ऊपर ऐसे ही मैं सनफ्लावर और सोयाबीन जो है वो प्लांट कर दूँगा। सनफ्लावर प्लांट करूँगा अभी मज़ीद, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो है ऑयल मिल वहाँ पे भी कनोला की जो काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज आ रखी है इससे पहले कि टोटली आउट ऑफ रॉ मटेरियल हो जाए। सो मेरे ख्याल से अभी ये गुड टाइम है कि हम अभी से ही जो है वो कनोला प्लांट कर लें, और अगर हम एक रफ कट सा आइडिया लगाएं तो $30,000 का एक ये पैलेट बिकेगा क्लॉथ का। 4 पैलेट्स हम अभी लेके आए, $1,30,000 तो यही हो गए हैं। सो अगर हम टोटल बात करें जी, 2 यहाँ पे ऑयल पैलेट्स पड़े हैं तो 13 क्लॉथ पैलेट्स पड़े हुए हैं, और आई डोंट नो अभी ये कितने पैसे बनते, मेरा मैथ काफ़ी ज़्यादा वीक है। सो 13 क्लॉथ पैलेट्स, 30,000 का एक पैलेट बना तो 13 कितने में बिकेंगे, पता नहीं मेरा मैथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। मे बी $260,000 इतने के पैसे जो है वो बनेंगे। सो एनीवेज अभी हमारी ऑयल की प्रोडक्शन जो है वो भी चल रही है, और आई विल ट्राई कि मैं मज़ीद किसी न किसी तरह से कोई ना कोई जुगाड़ करूँ इफ़ पॉसिबल हुआ। सो बस गाइस यही था आज का गेम प्ले, और ये मैं यहाँ पे जैसे ये वर्क यहाँ पे फिनिश करता है तो इसको मैं ले चलूँगा अगले फील्ड में, और लेट्स सी कि हम अगले फील्ड में हार्वेस्टर बाय कर पाते हैं या नहीं X9, और अगर X9 अफोर्ड नहीं कर सके तो हम इसकी जगह पे कौन सी हार्वेस्टर जो है वो बाय कर पाएंगे। और हो सकता है कि जब सोयाबीन रेडी टू हार्वेस्ट हो तो मैं उसको हार्वेस्ट ही ना करूँ, और मैं जो टेलर शॉप है उसको मज़ीद थोड़ा सा टाइम दे दूँ ताकि वो और पैलेट हमारे लिए निकाले, कुछ भी हो सकता है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगली वीडियो में क्या होता है वो आप लोगों के लिए भी सरप्राइज़ है, मेरे लिए भी टू बी ऑनेस्ट अभी के लिए जो है वो सरप्राइज़ है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, न्यू चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।